हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रियंका गांधी की जनता से अपील। 45 साल पहले दादी को मुश्किल से बचाया था, अब भाई को भी संकट से निकालें। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के चिकमगलूर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से झूठे मामलों में फंसाकर भाई राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया है, 45 वर्ष पहले दादी इंदिरा के साथ भी ऐसा ही किया गया था। तब चिकमगलूरु के लोगों ने उन्हें फिर से संसद में पहुंचाया था। आज इसी तरह उनके पोते राहुल को भी झूठे मामले में संसद से बाहर किया गया है। प्रियंका ने कहा कि राहुल और मेरे पूरे परिवार को पूरा भरोसा है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह श्रृंगेरी में देवी शारदम्बा की पूजा करने के बाद शंकराचार्य से मिली। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि संघर्ष के दौर में इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी, उस दिन भी आज की तरह ही बारिश हो रही थी। यह शुभ संकेत होता है। आज फिर से तुम्हारा परिवार मुश्किल में है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैसूरु में भी प्रियंका कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिव कुमार व पार्टी राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ मैलारी होटल पहुंची थी। उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि वह डोसा बनाना सीखना चाहती हैं। इसके बाद स्टाफ उनके साथ किचन पहुंचा। प्रियंका ने तवे पर डोसा तैयार तो कर दिया, लेकिन जब पलटने की बारी आई तो डोसा टूट गया। इस दौरान वह हंसी ठहाकों के बीच चुनाव का पूरा तनाव गायब हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।